and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. शाहरुख खान को रिसेंटली स्पॉट किया गया उनकी डॉटर सुहाना के साथ एयरपोर्ट पर। एसआरके अपनी डॉटर को सी ऑफ करने एयरपोर्ट पहुंचे थे और यहां एसआरके नजर आए प्रोटेक्टिव डैडी के अवतार में। 30 में 30। दीपिका पादुकोण को हमने स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कान फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होते हुए। यहां दीपिका का मूड शायद ठीक नहीं था, तभी तो उन्होंने मीडिया से नहीं किया इंटरैक्ट। 30 में 30। पापा शाहरुख खान के साथ उनके दोनों बेटे अब्राम और आर्यन सैटरडे को कोलकाता आईपीएल मैच देखने पहुंचे थे। वहां उनकी टीम तो हार गई, लेकिन एसआरके के साथ उनके बेटों की जो पिक्चर्स देखने को मिली उसके बाद हार का गम काफी कम हो गया। मैच देखने के लिए अब्राम और आर्यन के साथ जब एसआरके मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनकी ये पिक्चर्स की गई क्लिक। पिक्चर्स में अब्राम पास शाहरुख की गोद में मुस्कुराते हुए आ रहे हैं नजर। ऐसा कम ही होता है कि एसआरके अपने दोनों बेटों के साथ हो कैमरा में क्लिक। अब्राम तो बन गए हैं अब ऐसे स्टार किड जिन्हें नहीं लगता है अब कैमरा में डर। वेल, एसआरके के फैंस के लिए ये पिक्चर्स उनका दिन बना देने के लिए काफी हैं। 30 में 30। एक्स कपल सुजान और ऋतिक को स्पॉट किया गया एक डिनर डेट पर। ऋतिक और सुजान को इन दिनों कई ओकेजंस पर साथ किया जाता है स्पॉट और ये दोनों बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ काफी क्वालिटी टाइम। लेकिन क्या ये बढ़ती बॉन्डिंग इनके रिकंसिलिएशन में रिजल्ट कर पाएगी? ओनली टाइम विल टेल। 30 में 30। प्रियंका अप्स द हीट इन मायामी। अपने बेवॉच वर्ल्ड प्रीमियर के लिए मायामी पहुंची प्रियंका ने हीट को बीट किया अपने इस हॉट बिकिनी अवतार में। प्रियंका के इस बीच लुक के फोटोज हुए काफी वायरल। 30 में 30। सिर्फ सलमान खान और शाहरुख खान हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स, ये कहना है संजू बाबा का। संजय दत्त का कहना है कि ऑडियंसेस का प्यार उन्हें भी खूब मिला, लेकिन ये सभी जानते हैं कि एसआरके और सलमान से फैंस सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 30 में 30। लेट ऑन द शो, दीपिका, श्रद्धा और सोनम ने कैसे किया मदर्स डे सेलिब्रेट। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कंगना अपनी अगली फिल्म सिमरन के साथ अपना राइटिंग डेब्यू भी करने जा रही हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट से फिल्म के राइटर अपूर्व असरानी नहीं हैं प्लीज्ड। अपूर्व को जब इस सब्जेक्ट पर पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था, आई एम द स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर ऑफ सिमरन। कंगना हैज डन अ लवली जॉब ऑफ इम्प्रोवाइजिंग सम डायलॉग्स एंड हैज बीन क्रेडिटेड फॉर एडिशनल डायलॉग। शी इज नॉट अ को राइटर ऑन द स्क्रिप्ट। हेडलाइंस सच एज कंगना टर्न स्क्रिप्ट राइटर आर मिसलीडिंग। सोर्सेज की माने तो इस डेवलपमेंट से अपूर्व असरानी और डायरेक्टर हंसल मेहता के बीच हो चुका है फॉल आउट। 30 में 30। रूमर्ड कपल्स हर्षवर्धन और सारा अली खान को एक बार फिर से साथ किया गया स्पॉट। हर्ष और सारा साथ नजर आए एक डिनर डेट पर। ऐसे में रूमर्स आर राइव कि ये दोनों जल्द ही साथ नजर आ सकते हैं बिग स्क्रीन पर। सोर्सेज की माने तो हर्ष की आने वाली फिल्म भावेश जोशी में सारा नजर आ सकती हैं एक इम्पोर्टेंट रोल में। 30 में 30। क्या सुशांत के टेम्पर की वजह से कृति हो जाएंगी उनसे अलग? सोर्सेस का कहना है कि कृति को सुशांत का मूड स्विंग और टेम्पर नहीं है पसंद। ऐसे में वो सुशांत से दूरी बनाकर रख रही हैं। हम आपको बता दें इनके लिंकअप की न्यूज पिछले कुछ दिनों से हर जगह छाई हुई है। 30 में 30। सिमरन का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। इस मोशन पोस्टर में कंगना अपना बैक फेस करती हुई नजर आ रही हैं और कंगना के ट्रेडमार्क कर्ल्स भी इस पोस्टर में लग रहे हैं काफी अपेरेंट। इस फिल्म में कंगना नजर आएंगी एक थीफ के कैरेक्टर में। 30 में 30।
ऋतिक रोशन को रिसेंटली स्पॉट किया गया उनके बड़ी कुणाल कपूर के साथ। ऋतिक कुणाल के साथ यहाँ एक फिल्म देखने पहुँचे थे और वो नजर आए काफी अच्छे मूड में। 30 में 30। Riding high on the success of Bahubali 2, Prabhas next nazar aayenge film Saho mein. Ye film hone wali hai ek big budget sci-fi thriller jo Bahubali ki tarah multiple languages mein hogi release. Lekin interesting baat to ye hai ki agar sources ki mane to is film mein Prabhas ke opposite nazar aayengi Katrina. Makers ne kai Bollywood beauties ko consider karne ke baad Prabhas ke opposite Katrina ko cast karne ka decision liya. 30 mein 30. सिद्धार्थ एंड आलिया पार्टी हार्ड। एक बॉलीवुड पार्टी में ये दोनों लव बर्ड्स फिर से नजर आए साथ। इसी पार्टी से लीक हुई एक वीडियो में सिद्धार्थ और आलिया के साथ एक्टर इमरान खान और डायरेक्टर शकुन बत्रा भी नजर आ रहे हैं। 30 में 30। करण जौहर हैं करीना कपूर खान से खफा। दरअसल कहा जा रहा है कि जब से सारा अली खान और हर्षवर्धन के लिंकअप की न्यूज आई है, करण जौहर इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सारा के बॉलीवुड डेब्यू के पहले ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए और करण को लगता है कि करीना कहीं न कहीं सारा के लिंकअप की न्यूज को हवा दे रही है। 30 में 30। मायामी में हुआ प्रियंका की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच का इंटरनेशनल प्रीमियर। प्रियंका इस प्रीमियर पर नजर आई एक शिमरिंग ब्लू ड्रेस में और प्रियंका का ये लुक रहा इवेंट का वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स। प्रियंका इस इवेंट पर अपने हॉलीवुड फैंस के साथ टाइम स्पेंड करती हुई आई नजर। 30 में 30। बिग बी करण जौहर को स्पॉट किया गया एक बुक लॉन्च इवेंट पर। इस इवेंट पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ और भी कई बड़े लोग नजर आए। 30 में 30। इस साल बॉलीवुड की तीन ब्यूटीज करेंगी कान रेड कार्पेट पर वॉक, लेकिन फैंस की नजरें रहेंगी दीपिका पर, जो ऐश्वर्या राय बच्चन और फैशनिस्टा सोनम कपूर के साथ कान को ज्वाइन करेंगी। ये तीनों ही करेंगी इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड्स को रिप्रेजेंट। वेल, इन तीनों बॉलीवुड ब्यूटीज के एक साथ कान में जाने से नहीं होगा कोई भी क्लैश, क्योंकि ये तीनों आएंगी अलग अलग दिनों पर नजर। जब दीपिका से प्लेटफॉर्म शेयर करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, Our dates are different, but if our paths cross, I will definitely catch up with her. She is someone who has represented not just the brand, but India so beautifully for years. I know her otherwise as well, and I've always admired the way she conducts herself. 30 में 30। सोहाली खान को रिसेंटली स्पॉट किया गया उनके हस्बैंड कुणाल खेमू के साथ। कुणाल और सोहा अपने एक ब्रांड के लॉन्च इवेंट पर पहुंचे थे और यहां उन्होंने बताया कैसे वो पेरेंट्स बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद को कर रहे हैं तैयार। ये एक डिफरेंट फेज है हमारे लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा लव एंड अटेंशन दैट कम्स, आल्सो स्ट्रिक्टनेस। ऐसा नहीं है कि सब मानते हैं, वो मुझे डांटते भी हैं, एंड ही टेल्स मी आल्सो दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ईट ऑन टाइम, आपने आज क्या खाया, ये खाना जरूरी है, यू नो, सो It's a little bit of both. 30 में 30। प्रियंका के हॉलीवुड डेब्यू बेवॉच के प्रमोशंस अभी खत्म हुए भी नहीं थे कि अनाउंस हो गई है प्रियंका की अगली हॉलीवुड फिल्म। प्रियंका की इस फिल्म में वो फिर से नजर आएंगी एंसेंबल कास्ट में और उनके साथ इस फिल्म में दिखेंगे फेमस सिटकॉम एक्टर जिम पार्सन्स। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट फिल्म प्रोड्यूसर पॉल बर्नन ने अपने इस ट्वीट के थ्रू की। 30 में 30। रणबीर कपूर के बॉडीगार्ड और ड्राइवर ने फिर की फोटोग्राफर्स के साथ बदतमीजी। सोर्सेस का कहना है कि रिसेंटली रणबीर को कुछ फोटोग्राफर्स ने स्पॉट किया एक क्लिनिक से बाहर आते हुए और यहां शायद रणबीर को मीडिया की मौजूदगी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर से मीडिया को वापस जाने के लिए कहा और इस चक्कर में हुई खूब अनबन। सोर्सेस का कहना है इस भागम भाग में एक फोटोग्राफर को थोड़ी चोट भी आई। 30 में 30।
शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत के वर्किंग वुमेन पर किए गए कमेंट के बाद उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस क्रिटिसिज्म को मीरा ने कैसे हैंडल किया इस बारे में जब मीरा से पूछा गया तो शी रिवील्ड, इट वॉज टफ बट आई हैड शाहिद बाय माई साइड, ही सेड इट्स ओके एंड इट हैपेंस, ऑल्सो आई प्रेफर लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। 30 में 30। बॉलीवुड डिवास ने मदर्स डे के खास ओकेजन पर शेयर की अपनी अपनी मॉम्स के साथ कुछ अडोरेबल थ्रोबैक पिक्चर्स। आइए इन फोटोज पर नजर डालते हैं। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा सिर्फ अपनी मूवीज में ही अच्छा काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो एज अ प्रोड्यूसर भी हो रही हैं काफी सक्सेसफुल। वेल, प्रियंका के प्रोडक्शन हाउस को अपनी मराठी मूवी वेंटिलेटर के लिए मिल चुका है एक नेशनल अवार्ड, और अब प्रियंका कर रही हैं एक सिक्किमीज फिल्म पाहुना, जिसका ट्रेलर लॉन्च होगा अपकमिंग कान फिल्म फेस्टिवल में। 30 में 30। हाल ही में दीपिका स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर आई थी नजर, और अब वो एक फ्रेंच मैगजीन इंडीज के कवर पेज पर नजर आ रही हैं। दीपिका ब्लैक कलर की ड्रेस में लग रही हैं काफी गॉर्जियस एंड एलिगेंट। मैगजीन ने डिम्पल्ड ब्यूटी को इंडिया एट कान फेस्टिवल की टैगलाइन के साथ किया है टैग। कान फेस्टिवल में इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर के साथ साथ नजर आएंगी दीपिका भी। बॉलीवुड की ये तीनों ब्यूटीज इस बार भी इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड्स को करेंगी रिप्रेजेंट। 30 में 30। As we know कि कैटरीना अपनी मदर और फैमिली के साथ हैं काफी क्लोज। कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मदर्स डे पर शेयर की है एक ओल्ड पिक्चर। इस पिक्चर में वो अपनी मॉम के साथ डांस पोज में आ रही है नजर। कैटरीना रोड, माय मोस्ट फेवरेट मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड वाज ऑलवेज डांसिंग विद माय मदर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई नो। व्हाट वुड द वर्ल्ड बी विदाउट यू। हैप्पी मदर्स डे। 30 में 30। रिसेंटली खबर आई थी कि अनुराग कश्यप अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को फाइनल करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब जब ऐश्वर्या और अभिषेक अनुराग को भाव नहीं दे रहे हैं, ऐसे में अनुराग अब अपनी इस फिल्म के लिए कुछ फ्रेश फेसेस की तलाश में हैं। कहा जा रहा है कि अनुराग ने ऐश और अभी को मनाने के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस भी किए थे। 30 में 30। दीपिका अपनी नेक्स्ट फिल्म पद्मावती की शूटिंग को लेकर चल रही हैं आजकल काफी बिजी, लेकिन इस बिजी शेड्यूल के चलते भी दीपिका ने अपने बिलव्ड वंस के लिए टाइम निकाल ही लिया है। दीपिका ने लिया है एक शॉर्ट ब्रेक टू अटेंड हर कजिन्स वेडिंग इन बैंगलोर। सोर्सेस की माने तो दीपिका अपने कजिन के साथ बचपन से ही काफी क्लोज रही हैं और वो सेरेमनी का कोई भी पार्ट नहीं करना चाहती थी मिस। 30 में 30। खबरों की माने तो करण जौहर रणबीर कपूर के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि करण ने अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लिखी है और रणबीर को इस फिल्म में कास्ट करने का वो मन बना चुके हैं। फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो शायद दीपिका को इस फिल्म का हिस्सा बना सकते हैं। 30 में 30। आजकल बॉलीवुड में हो रही फेलिंग मैरिजेस के बारे में जब काजोल से पूछा गया तो उन्होंने बढ़ रहे डिवोर्स रेट पर अपना व्यू देते हुए कहा, वी डोंट गिव एनी बेनिफिट ऑफ डाउट टू आवर पार्टनर एनीमोर। टुडे वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द पर्सन टू मेक अ मिस्टेक सो दैट वी कैन पाउंस ऑन हिम एंड टेल, हे नाउ आई एम वन अप देयर, नाउ यू सी आई थिंक मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी लाइक दैट इफ दे हैव टू बी सक्सेसफुल। 30 में 30। शाहिद कपूर कैसे डैड हैं और मीशा के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है ये बताया उनकी वाइफ मीरा राजपूत ने। मीरा ने कहा, फादरहुड कम्स नेचुरली टू हिम, ही इज फुल्ली इन्वॉल्व्ड एंड ही हैज चेंज्ड हर डायपर इवन बिफोर आई डिड। शाहिद वांट्स टू बी कनेक्टेड टू हर ऑलवेज एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। मीशा इज गोइंग टू हैव हिम रैप्ड अराउंड हर लिटिल फिंगर।